सारा घोटी का अच्छा से अच्छा केनाल है, यहाँ पे कोई गंदगी नहीं होती है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे होगी, उम्मीद है होगी, पर देगा कोई तो होगी ना। अंदर इंट्रो करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, तो मैंने कहा कि बाहर आज इंट्रो करेंगे। और ये जो लाल लाल आप ये देख रहे हो, जो मच्छरों ने काटा है ना मुझे, रात में एक सी जगह गया हुआ था जहाँ बहुत मच्छरों ने मुझे काटा, तो पहले हो जाते हैं हम लोग तैयार, उसके बाद करते हैं हम लोग आपसे बात। चलो चलो मेन मुद्दे पे आते हैं, ठीक है? तो तैयार हो जाते हैं क्योंकि कमेंट करते हैं लोग के पहले खाने से पहले नहाना चाहिए, नहा के बाद में खाना चाहिए, तो पहले नहाया जाता है उसके बाद खाना खाया जाता है, तो चलते हैं, होते हैं हम तैयार। तो गाइस फाइनली आपका भाई तैयार होके आ चुका है, तो ओके। ओ भाई आप लोग पूछेंगे कि भाई ये क्यों किन करवाया, ये क्यों दाढ़ी कटवाई भाई, तो सीन्स ये है कि मैंने कहा हर चीज़ इंस्टाग्राम पे पूछता हूँ आप लोगों के साथ, ये भी पूछूंगा, पर सीन ये हुआ कि उस टाइम मेरा जो ये फोन है ना वो खराब हो चुका था, और दूसरा सवाल लोग पूछते हैं कि ये आपको ब्लैक वाला बैग क्यों उठाते, तो भाई ये एक फोन, ठीक है, ये दूसरा जिसमें काले माले आती रहती हैं, ठीक है, और ये तीसरा आईपैड, ठीक है, ये भी ये चीज़ें और कैमरों ये सारे इसमें रखने होते हैं ना, और ये वॉलेट भी, तो इस वजह से आपका भाई जो है कि ये बैग यूज करता है, क्योंकि 10 चीजें एक जगह पे एक चीज में रखी जाए तो बेहतर होता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो इस वजह से आपका भाई ये यूज करता है। और आप लोग पूछेंगे कि आप कराची से कब आए, कोई पता नहीं होता आपका, आप कब कराची जाते हो, कब यहाँ आते हो, तो सीन ये है कि कराची से मैं आ गया था यहाँ पे और मेरा फोन खराब था, इस वजह से व्लॉग नहीं भर पाया, और अभी जो है हम खाना खाएंगे उसके बाद निकलना है कहीं, तो मेरा व्लॉग है स्टार्ट होता है यहीं से। यार ये जो पिंपल्स देख रहे हो ना आप लोग, इनका कोई हल बताओ मुझे, जब से दाढ़ी कटवाई है ना तो ये बढ़ते जा रही। मैंने कहा नहीं इससे नहीं होने दूंगा, और आज के हमारे व्लॉग में हो सकता है मैं भी हम यूज करें अपनी एक्शन कैमरा, क्योंकि एक्शन कैमरा लोग कहते हैं कि आप भाई सिर्फ अपना मुंह ही दिखाते रहते हो और कुछ दिखाते नहीं हो, समझ रहा हूँ, तो इसमें जो है वाइड एंगल है, इसमें सारा कुछ नजर आएगा, ठीक है, मतलब ये है तो पूरा रूम पीछे से नजर आएगा, तो सिर्फ मेरा मुंह नजर नहीं आएगा, पीछे वाला बैकग्राउंड सारा कुछ नजर आएगा। अगला व्लॉग जो है इससे रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, ये वाला इससे करेंगे, अगर इसकी बैटरी कहीं डाउन हुई तो फिर इसको निकालेंगे। अम्मी मानी मोकिले गाइज, ये डोसा हाई, ये चावल हाई, ये सालन हाई, ये हमारा खाना हाई, इसको हम मुकाते हाई, जो खाना है इतना ही खाता हूँ बस, ज़्यादा मुझसे खाया नहीं जाता, लोग कहते हैं तुम चार चार रोटियाँ खाते हो, पर यही खाता हूँ भाई सीरियसली। तो गाइज फाइनली भाई आपके ने खाना भी खा लिया है, सारा कुछ तो कर लिया, नहा भी लिया, खाना भी खा लिया, अब क्या किया जाए, मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ, देखता हूँ, मैं तुम्हें देता हूँ, हमने एक नया घर लिया है उसका आपको होम टूर देता हूँ, मतलब वहाँ पे अभी बन रहा है वो, पर फिर भी वो मेरा घर है, हम आपको होम टूर देंगे ही, तो ऐसे करते अभी जो है हम सफदर के पास चलते, वो ना बाद में दूंगा, अभी वो मिस्त्री वगैरह खड़े हुए हैं ना, तो उसका होम टूर बाद में दूंगा आपको, अभी हम चलते हैं सफदर के पास, घूमते हैं फिरते हैं ऐश करते हैं। ना भाई है जिससे 100 रुपया मांगने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाके दुकान से पैसे मंगवाने लाते, गाइस फाइनली जो है मैं सफदर के घर के बाहर पहुंच चुका हूं और उसका वेट कर रहा हूं, बस वो निकले उसके बाद कहां जाना है हम लोगों ने, स्टिंग लेनी है ना, सुबह का टाइम है, स्टिंग भी नहीं है हम लोग, तड़प ही ऐसी है ना। जो मौसम है आप घोटी का चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छा मौसम है, अब बारिश हो रही है।
तो गाइस फाइनली सीन ये है कि अभी मैं कोल्ड ड्रिंक लेने जा रहा हूँ, स्टिंग लेने, और नाश्ता करवाऊँ सफदर को, क्योंकि वो नाश्ता जो है स्टिंग के साथ करता है। ये सफदर का नाश्ता आ चुका है अभी। वेलकम ब्रदर, आफ्टर सो लॉन्ग टाइम, 2 महीने हो गए मैंने तुम्हें देखा नहीं अपने व्लॉग में। अच्छा? अभी देख रहा हूँ। जी सर, तो आज सफदर जा भी रहा है। बाय बाय ब्रदर, अल्लाह हाफिज़। गाँव जो जा रहे हो? मैंने सुना था नहीं जा रहे। किसने बोला? ना करो, मैंने सोचा तुम चले जाओगे, मतलब मजा होगा यहाँ पे, अकेला आऊंगा, मजा करूंगा। मैं नहीं जाऊंगा। वॉलीबॉल का क्या सीन है, आज चलना है? नहीं नहीं। What the? ये जो हमारा है ना, ये दिखाओ, ये हमारा बहुत प्यारा जो है घोटकी है, ये घोटकी की खूबसूरती है। जो हमारे घोटकी के टिकटॉकर है ना, वो यहाँ पे आते वीडियो बनाते हैं। ये कलमा चौक हमारा, ठीक है। और ये जो है हमने हमने इसराइल का जो है झंडा भी यहाँ पे बनाया हुआ है। ये देखो, इस पे खड़े होंगे ना, सवाब मिलेगा हमें। ये कंफर्म जन्नती हूँ मैं, कंफर्म। और ये जो स्कूल है ना, इसको हम अभी पटवाएंगे, यहाँ से उठा के यहाँ लगवाएंगे, क्योंकि बच्चों को मुश्किल हो रही है एजुकेटर में आने के लिए, ठीक है। यहाँ से अंदर जाते हैं इतनी मुश्किल हो रही है, यहाँ सीधा होगा ना तो यूँ आएंगे, यूँ मतलब यूँ चले जाएंगे स्कूल में, मतलब वो एक अलग मज़ा होगा। जाके इलाज कराओ। तो ये हमारा घोटकी जो आपको मैं दिखाने आया हूँ यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है घोटकी में। मामा का नाश्ता भी हो गया, और ये भी देख लीजिए, ट्रैक्टर आ रहा है। ये देखो एक अंक वाला, इसको रास्ते। ये हमारा घोटकी है, सारे मेरी तरफ देखते हैं मैं जब ब्लॉगिंग करता हूँ। पता नहीं क्या इनको लगता है कि कोई में। वैसे घोटकी वालों के लिए लव है अपना। अभी आपका भाई जो है सिर्फ और सिर्फ घोटकी में आ चुका है, और तो सपोर्ट कीजिए घोटकी वाले, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। फाइनली जो है अभी हम यहाँ से जाएंगे। सफदर कहाँ जाएंगे? घर जाएंगे अपने अपने। हाँ, तो यहाँ से घर जाएंगे, और मैं आपको होम टूर भी दूंगा। उसके बाद सीधा हम व्लॉग को एंड करेंगे, फिर एडिट वेडिट करेंगे। और कल जो है आपको आपके भाई को कल जो है इनविटेशन आया है, सेफ समय जो साहब आ रहा है, और मैंने इंस्टाग्राम पे जो है स्टोरी डाली थी। अगर आपने नहीं देखी तो जाएं umair.jilani.585 फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, और वहाँ पे मेरी स्टोरी देखते रहिए। और मैंने वहाँ पे स्टोरी लगाई है कि सेफ समय जैसे मैंने पूछा था, उसने कहा कि कल हम आएंगे 8 बजे, तो हम लोगों ने वहाँ जाना है और इन्जॉय करना है सेफ समय जे को। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, कि जैसे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके भाई। ओके, गांव का कब्रिस्तान है यहाँ पे, तुरबत है, इसमें दीवार पे लिखा हुआ है एडमिशन ओपन, तो जो भी लेना चाहे कब्रिस्तान में ले सकता है। इस कचरे की जगह पे वॉलीबॉल खेलते हैं, आज जो है वॉलीबॉल बंद है। अगर हमारा प्रोग्राम हुआ 5 बजे हमारा प्रोग्राम हुआ तो हम आएंगे यहाँ पे। और ये हमारे गांव का शादी हाल है, यहाँ पे शादियाँ वादियाँ होती हैं। आपके भाई की भी शादी यहाँ पे होगी, उम्मीद है होगी, पर देगा कोई तो होगी ना। मसला ये यार, देगा कोई तो होगी ना। चलो इसको क्रॉप करो। अरे गांव में आसिफ शाह का बंगला है, ये बहुत मशहूर है। हमारा स्कूल ये है, यहाँ पे हमने अपना फ्यूचर बर्बाद किया है। शाहिद वालों का बंगलो है, शायद वाले यहाँ पे रहते हैं। जब भी आते थे स्कूल पढ़ने 12 बजे यहाँ चले जाते हैं, पढ़ते नहीं थे हैं, तभी तो अभी जेबुल में हैं। ये सोनू साई का बंगलो है, यहाँ पे सोनू साई हम क्रिकेट खेलते हैं। हमारा घोटकी का अच्छा से अच्छा केनाल है, यहाँ पे कोई गंदगी नहीं होती है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सफाई होती है। और इस पे मतलब सी व्यू पे हमारा एक बना हुआ है होटल, जिसको हम दो दरिया कहते हैं। ये हमारा सी व्यू है, घोटकी का सी व्यू है। बिल्कुल गंदगी नहीं है, आप देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ शॉपरें पड़ी हैं, पानी नज़र नहीं आ रहा, पर गंदगी नहीं है। हमारा घोटकी शहर जो है ना बहुत साफ है। मैं अपने शहर को प्रमोट करूंगा, मैं क्यों बेइज्जती करूं? आप खुद देख सकते हैं ना, तो मैं क्यों बेइज्जत करूं इसको भाई? कितना गंदगी पड़ा है, कौन बोले यार इनको? ये देखो ये कहीं से भी लग रहा है आपको कि ये कोई केनाल है या यहाँ से कोई पानी जाता है? ये मैं खड़ी आई पे बुरी में खड़ी है, अलड़े में पुचकारी। हमारे न्यू हाउस का जो है काम शाम हो रहा है, ठीक है, ये काम शाम हो जाए, मैं कहता हूँ ख़त्म हो जाए, उसके बाद ना आपको मैं इसका फुल टूर दूंगा, ठीक है। अभी तो ये पाइप शाइप लाइन भी लग रही है, कोई अंदर ही काम वगैरह चल रहा है, आवाज़ आपको आ रही होगी, तो ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको होम टूर दूँगा।
गाइस फाइनली सीन्स ये है कि आपका भाई घर आ चुका था। और सीन ये है कि भाई आपका एक बात बता दूं कि आपका भाई कराची में सारा कुछ अपना छोड़ गया है, ठीक है। अभी कराची नहीं जाएगा क्योंकि सारा कुछ स्टार्ट करना है यहाँ पे, और ये भी कुछ मजबूरी थी जिस वजह से मैंने किया। अभी लोग बोलेंगे कि फाइनेंशियल इशू था, ये था वो था, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस वो ये था कि अब्बू की थोड़ी तबीयत सही नहीं रह रही थी जिसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा और उसको सपोर्ट करना पड़ा। बहरहाल खैर इसमें भी कुदरती कोई अच्छी लिखा होगा मेरे लिए कुदरत से, तो इस वजह से हुआ है। और भाई आपका सारा कुछ कराची में छोड़ के आया है, और ला में जो सेकेंड सेमेस्टर में लड़की थी उसको अपना दिल भी दे के आया है। जो मेरा ब्लॉग है एंड करते हैं यहाँ पे, और कल हम लोगों ने जाना है सेफ समय जो भाई के साथ मिलना है और सॉन्ग सुनने इंजॉय करना है वहाँ पे, तो आ रहे हैं वो। तो अगर मेरा आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो ये तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि आने वाली हर वीडियो आप देखते रहिए, जैसे कि कल सेफ समय जो आ रहा है वो भी देखते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।